भागलपुर के कजरेली थाना अंतर्गत कजरेली गांव में आज सुबह दो समुदायों के बीच आपसी नोकझोंक हुई। यह नोकझोंक इस कदर बढ़ता चला गया कि बात मारपीट पर आ गई, जिसमें दोनों समुदाय के दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए। वहीं कुछ लोगों को चोटें भी आई है। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटनास्थल पर एसएसबी की टीम, दंगा पार्टी, छह थानों की पुलिस बल, डीएसपी, एसडीओ और पुलिस अधीक्षक पहुंचकर मामले को शांत किया। तत्काल पुलिस फोर्स वहां भरी हुई है। पूरा इलाका अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है। वर्तमान स्थिति शांतिपूर्ण व सामान्य है। वहीं शांति समिति की बैठक कर गांव में दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का भी काम किया गया। वहीं पुलिस फोर्स घटना स्थल पर अभी भी तैनात है। साथ ही पुलिस फोर्स गांव में फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि किसी भी तरह की बड़ी घटना को असामाजिक तत्व अंजाम ना दे। वहीं इसको लेकर भागलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी तरह की टिप्पणी करने से मना करते हुए लोगों को हिदायत दी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उसके ऊपर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खाली मारना शुरू रुस्तम परवेज उधर दोनों बाथरूम से जो आया तो दोनों पीछे बगल बाथरूम है शौचालय लड़का न पेट्रोल पंप का बाथरूम। हम जो ऑफिस से निकले ना तो दोनों दोनों का कट्टा धरा हुआ था। हम गए ये भी आ गया उधर से धमक चेहर के मारो रुजो मारो रुजो। बस जब बोले ना तो 15-20 होता दीदी बस सबको दीदी मत देना मतलब चालू कर दिया। हमारा पास पैसा था दीदी 27,000 में ईटो में ईद आ गया दीदी और इसका 27,000 पेट्रोल पंप वाला मोबाइल भी ले लेते लिया है। एकरम और मोचम सिपाही है दीदी हाँ सिपाही है दीदी रिटायर कर दिया है दीदी। हमरा हमरा कोई हानि और कोई हमरा हमरा पैसा लिया एकरम ने और मोचम सिपाही मोबाइल भी लिया है दीदी मोबाइल छोटका दीदी था और नो किसी सैमसंग था दीदी। हम झूठ नहीं बोले छोड़ा या बस एक मेरा जो बेटा आया दीदी कि के झगड़ा के झगड़ा कर हमरा बेटा को जो दीदी मरा नमस्तक पर उसी जगह बेहोश हो गया दीदी। और उसके बाद हमरा भतीजा को कान्हा पर उठा के ले जाके दीदी वो मोहम्मदन टोली था दीदी उसी में ले जाके केबलों में पैक कर करके बिरेन हमरे जा दीदी इनके जादव का दीदी भर्ती है। कजरेली थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है, वहीं पे दो तीन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। उसमें फिर अगल बगल के गांव वाले इन्वॉल्व होने शुरू ही हुए थे। तत्काल थाना वहाँ पहुँचा, फोर्स पहुँचा और हम लोग भी पहुँचे, एसडीएम साहब भी पहुँचे और भारी डिप्लॉयमेंट के साथ उसको कंट्रोल किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है और दोनों जो गांव थे वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट आगे भी रहेगा। सर मामला आखिर क्या मामला क्या था? मामले का हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे जो तथ्य आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। किसी पर्सनल रीजन की वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें फिर दोनों पक्ष इन्वॉल्व हो गए, तुरंत उसको कंट्रोल किया गया और उसकी जांच करके जो भी उनमें इन्वॉल्व हैं दोनों पक्षों की तरफ से डिटेन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में तथ्य बाहर आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी 4-5 लोग को दोनों तरफ से डिटेन किया गया है और आगे भी जो जो इन्वॉल्व है उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की।